नमस्कार दोस्तों, जानी कैसे में आपका स्वागत है। हम रोजाना स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। आयुर्वेद में च्यवनप्राश को सभी औषधि से ऊपर माना गया है। च्यवनप्राश में 36 तरह की खाद जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है। च्यवनप्राश में ऐसे तत्व होते हैं जो सर्दियों में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। दूध के साथ एक चम्मच च्यवनप्राश का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद है, इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं च्यवनप्राश से जुड़ी 6 सच्चाइयाँ। आइए जानते हैं। नंबर 1, सर्दियों में सुबह एक चम्मच च्यवनप्राश का सेवन करने से ऊपर एक गिलास दूध पीने से एकाग्रता बढ़ती है और मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। नंबर 2, सुबह एक चम्मच च्यवनप्राश का सेवन करने के ऊपर एक गिलास दूध पीने से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में भी सुधार होता है। नंबर 3, सर्दी में सुबह एक चम्मच च्यवनप्राश का सेवन करने से व्यक्ति के श्वसन तंत्र स्वस्थ बना रहता है। नंबर 4, सुबह एक चम्मच च्यवनप्राश का सेवन करके ऊपर एक गिलास दूध पीने से सर्दी, जुकाम, फ्लू जैसी समस्याएं खत्म हो जाती है। नंबर 5, सुबह एक चम्मच च्यवनप्राश का सेवन करके ऊपर एक गिलास दूध पीने से त्वचा साफ और स्वस्थ हो, बाल काले चमकदार और मजबूत रहने के साथ ही बाल सफेद नहीं होते हैं। नंबर 6, सुबह एक चम्मच च्यवनप्राश का सेवन करके ऊपर एक गिलास दूध पीने से मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत रहती है। च्यवनप्राश खाने का सही तरीका और समय। च्यवनप्राश खाने का सही समय सुबह है और एक या दो चम्मच ही खाएं। इसको आप ठंडे और गर्म दूध के साथ भी ले सकते हैं। इसको आप ऐसे ही खा सकते हैं और खट्टी और मसालेदार चीज़ें च्यवनप्राश खाने के 30 मिनट बाद खाएं। और 5 से 6 साल के बच्चों को च्यवनप्राश नहीं खिलाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आती है तो कृपया इस जानकारी को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। यदि आप किसी समस्या के बारे में या कोई जानकारी हम तक शेयर करना चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।